गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति, एक लाडू फूट ला गणपति बाप्पा। ले ले पकड़ा पकड़ा ये पकड़ा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा घुमा घुमा गणपति बाप्पा पलटा रहे क्या ब्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस, और मैं भी बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ। आज का दिन आ चुका है और ये दिन का हम वेट नहीं करते अपनी लाइफ में, क्योंकि आज है बप्पा का विसर्जन। आज 18 सितंबर है, वैसे तो 17 को होता है, पर हम एक दिन बाद उठाते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है शायद आपको, पर तभी भी राजा बादशाह का राजा का विसर्जन है। और यार दिन की स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा बेकार हुई है सच में। ऐसा था कि यार आज बहुत, कल रात को तो 4 बजे सोया हूँ मैं, और आज उठा और मुझे एम्स जाना पड़ गया क्योंकि बनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर हम अभी 5 बजे आओ, थोड़ा काम निपटाया हूँ, और तब तक के ढप पार्टी वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, वो मैंने कैप्चर नहीं करा। बट इसके पहले वाली जो आपने क्लिप देखा है यार घर के गणपति बप्पा का, वो विसर्जन बहुत प्यारा हुआ कल। और चलते अभी देखते हैं, डीजे वीजे का सेटअप बहुत प्यारा लगा हुआ है, लाइटिंग बहुत प्यारी लगी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो एक चीज़ थी कि गाइस डीजे का ऑफ कोर्स ये बात है, मैं आपको ओरिजिनल जो साउंड बजता है वो नहीं दिखा सकता क्योंकि ये कॉपीराइट इशू आ सकता है मेरे ब्लॉग में। पर जो भी है, जितना हो सके जितना अच्छा व्लॉग होता है वो आपको पूरा क्लियरली दिखाने वाला हूँ। कैसा विसर्जन होता है पप्पा का वो बहुत प्यारा होने वाला है, क्योंकि कोराडी में बहुत सारे गणपति जी दिखने मिलेंगे। आपने इंस्टा में मुझे फॉलो करा है तो आपको देखा होगा मैं बहुत सारे पेंडॉल्स गया था, जितने क्योंकि तीन मैंने देखा, तीन पेंडॉल मैं नहीं जा पाया, मिंडे लेआउट प्रताप नगर और एक किंग कॉन्ग वाला था, वो मैंने इंस्टा पे नहीं डाला। बट ठीक है, विसर्जन है आज, इंजॉय करेंगे और पप्पा को बहुत अच्छे से अलविदा करेंगे। शुरू करते हैं व्लॉग यहाँ पे।
पगली तब खो जाता हूँ महादेव की मस्ती में। सभी भाई बहुत तगड़ी तरीके से नाच वाच के होने का है, थोड़ा सा बचा है और अभी पथक लगने वाला है। इसके पहले ठप पट्टी लगी थी जैसे मैंने आपको बताया, और बस कुछ देर और आधे घंटे के बाद मैं ढप लगने वाला सॉरी पथक लगने वाला है। फिर उसके बाद हम कोराडी के लिए निकलेंगे। हर साल जैसे कोराडी में विसर्जन करेंगे, इस बार भी हो बहुत प्यारा था यार इस बार का। देखते हैं आगे पथक कैसे बसता है यार, बहुत मज़ा आने वाली है। हमने जस्ट पटाखे फोड़े और वीडियो बहुत ज़्यादा प्यारा आया है, आपको इसके पहले वाले क्लिप में दिखी जाएगा। सो बहुत ज़्यादा प्यारा वीडियो आया। अभी वापस से पतंग चालू होने वाला है हमारा और पतंग देखेंगे। और ये मेरा दोस्त पंडा, कैसा कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है, एक नंबर एक नंबर Thank you.
सो गाइस अभी हमारा सब कुछ जितना भी वादन था वो बजा के हो चुका है और अभी हम लोग कोराडी के लिए निकल रहे हैं। गणपति थोड़ा खड़ा है और सब लोग खाना खाने के लिए गए हैं एरिया में। एरिया के बाहर गणपति है हमारा, मेडिकल चौक से अभी इधर लेके खड़े करे हमने गणपति और यहाँ से हम कोराडी निकलेंगे और रास्ते में देखते हैं कितने सारे गणपति मिलते हैं हमें, क्योंकि बहुत सारे पेंडॉल्स हम जो है वो नहीं गए, बहुत सारे अच्छे अच्छे नागपुर में जगह में गणपति बैठे हैं। तो चलो चलते हैं और देखते हैं, बस निकलने वाले थोड़ी देर में, बड़े एक नंबर मजा आएंगे। गणपति को लेके जा रहे में हो रही है दिक्कत, पेड़ बहुत ज्यादा है और गणपति थोड़ा बड़ा पड़ रहा है लंगाड़ी की वजह से, मतलब पेड़ वेड़ लग रहा है गणपति को। सब लोग टू व्हीलर से आ रहे हैं अपनी अपनी और ये सब लोग हमारे विसर्जन पे चलने वाले हैं कोराडी। ये लाइट के वजह से आपको दिख रहा नहीं होगा क्योंकि लाइट ही मेरे पूरे आंखों पे आ रही है और झाड़ू के वजह से बहुत दिक्कतें आ रही थी। शेर जी का गाइस शेर, बाप रे क्या भयंकर खड़े रह गए रोड ट्रैवल करने के लिए। देखो सब लोग, ये पूरे राजा बादशाह की पब्लिक है, ये हमारा मेन कार्य करता भैया। अरे जय श्री राम भैया, जय श्री राम भैया। ये है गाइस दिक्कतें रस्तों की, जो कितना ज्यादा बड़ा पेड़ है। भाई लिटरली मैं मेडिकल चौक से इधर तक के रेलवे स्टेशन तक के पैदल आया हूँ गणपति के वजह से, क्योंकि झाड़ वाड़ बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। कोई बात नहीं, अच्छी खासी कार्डियो हो रही है, मेरे शक्ल से आप देख ही रहे होंगे, वो बहुत ज़्यादा सफ़र बचा है अभी। क्या हो गया? ओ बाप रे बाप, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कैसे देखो कितना प्यारा गणपति है। नागपुर का पोद्दारेश्वर मंदिर और बस हमारा गणपति भी इधर ही पहुंच चुका है, फिर आज हम लोग राम झूला चढ़ाएंगे। बोलो श्यामल रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी मैं रंगाड़ी के ऊपर बैठ चुका हूँ और अभी हम लोग आरबीआई स्क्वायर चढ़े हैं, सॉरी पहुँचे हैं, और यहाँ से हम जो कोराडी के लिए पुलिया पड़ता है वो चढ़ेंगे और डायरेक्ट मानकापुर वाले पुलिया में उतरेंगे। हर साल जैसे आपको तो पता, जो नागपुर के हैं उनको पता है, ये तरफ से ये तरफ नहीं है टेंशन नहीं गाइस, कैसा सीन है ना कि हमारी थोड़ी मूर्ति नहीं का थोड़ा अजीब ऐसा लग रहा है कि उखड़ गई, पर वो प्लास्टर लगा हुआ है उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो नागपुर के नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ कि आपको कोराडी एक जगह है वहाँ पे विसर्जन होता है और हम ये अभी आरबीआई स्क्वायर है, स्क्वायर में है जो नागपुर का सेंटर है, हम बस निकल रहे हैं ऐसे। और भाई वेट नहीं हो रहा अभी, वहाँ का माहौल देखना है। गाइस ये वाली मूर्ति देखो कितनी प्यारी है,
इंस्टाग्राम पे जस्ट रिसेंटली रील डाला है, गोलीबार चौकी मूवी है, सॉरी गोलीबार चौकी मूर्ति है ये, बहुत ज़्यादा प्यारी है यार। कुछ 25 मुंडी और कुछ 50 हाथ है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। थोड़ी सी दिक्कत हुई है, हमारा जो चक्का है यार वो थोड़ा डग हो रहा है, तो हम लोग उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। वैसे मेरे पीछे देखो गणपति बहुत ज़्यादा प्यारा है। अभी एक और के रंगाड़े का थोड़ा चक्का का प्रॉब्लम आया था, बस उसी से पाना लिए हम लोगों ने, वो ठीक था। देखो हम सब पैदल चल रहे हैं क्योंकि यार हमारा ये चक्का है ना, ये चक्का बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, और धीरे धीरे चल रहा है गणपति हमारा, बाकी सब आगे है और हम लोग चल रहे हैं अभी। देख रहे हो गाइस कितनी ज़्यादा लाइन है, लाइन देखो कितनी ज़्यादा लगी है, बहुत ज़्यादा, कम से कम 1-2 किलोमीटर की लाइन लगी है। और ये गणपति देखो, और ये हमारा गणपति इधर। ये सुबह के 3:18 और हमको कम से कम भाई 5 तो बज ही जाएंगे मुझे ऐसा लगता है भाई। बहुत सारी दिक्कतें आ गई है, चक्का जो पता नहीं चक्के को क्या हो गया, नट ढीले हो गए थे उसके बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत बहुत स्लो आना पड़ा। चलते आगे और आगे मैं दिखाता हूँ आपको कि कितने ज़्यादा मात्रा में गणपति आया है और कौन से मंडल के गणपति इधर है, विसर्जन नहीं हुआ है जिनका। चलो चलते आगे, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी है। ज़्यादा प्यारी मूर्ति है गणपति, देखो गाइस ये गणपति को कितना प्यारा और यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। इस तरीके से पूरी लाइनें लगी है, गाड़ी ले क्या रहे, बस इस तरीके से लाइनें लगी है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा ही गणपति खड़े हैं, लाइक इतना तो मैंने देखा नहीं अभी तक के, और इस बार बहुत ज़्यादा ही लाइन लगी है। ये देखिए गणपति जी को बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है पीछे से, ओ भाई बहुत बड़ा गणपति है कसम। यहाँ पे गणपति है, पूरे गणपति दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये गणपति है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। देखो कि सब लोग थक चुके हैं भाई, कोई कोई झांकियों में तो लोग लिटरली सो गए, ये देखो सो गए सब लोग। इसे बहुत ज़्यादा भीड़ है, ये तो अंदर जाने की लाइन है और यहाँ पे बहुत भीड़ है, ओहो सीन बहुत बहुत अलग है यार आज का, इतना लेट मेरे को आज तक के कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ विसर्जन में। इधर भी सब लोग सो गए भाई रंगाड़े पे। एक यूनिक में गणपति दिखाया मेरे को, ये देखिए ये गाइस ये गणपति देखो, ये टिमटी का राजा है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा है, इसका मुकुट बहुत ज़्यादा यूनिक लगा मेरे को, डायमंड वर्क करा है इसके मुकुट पे। गणपति देव कितना प्यारा दिख रहा है रुद्र रूप में, मूर्ति सबसे यूनिक है, बहुत ज़्यादा प्यारी, हनुमान जी की गोदी में बैठे हैं गणपति जी, ये देखिए। आगे आ गया वो, अभी भी हमारा गणपति सबसे पीछे है भाई, हमको बहुत टाइम लगने वाला है कसम से, और बस अभी ब्रिज के पास पहुंचने वाला हूँ नीचे में, पर हमको बहुत टाइम लगने वाला है, लाइक 2 घंटे लग सकते हैं हमको। लोगों ने अवतार थीम तो सुना ही होगा नागपुर में, वो गणपति दिखाता हूँ, मेरे जस्ट आगे ही है ये गणपति है, और ये गणपति हमारे बाजू में ही बना था, सबसे पहले आगमन इसी का ही हुआ था।
बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। इसके पास आ चुका हूँ मैं और ये ऐसे ही लेफ्ट अंदर टर्न ले लिया सब गणपति के लिए। और यहाँ पे मेरे ख्याल तक के मेरे मंडल के भी होंगे खड़े लोग और यहाँ से सब लोग अंदर जा रहे हैं मेरे को ट्रक में। और देखो ऊपर से भी लोग देख रहे हैं, तरीके की भीड़ है गाइस ब्रिज के नीचे, ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, अभी तो 3:30 बज रहे हैं। ये देखिए अंदर तो मैं शायद नहीं जाने वाला हूँ, अगर गया तो इसके बाद पक्का क्लिप डालूंगा कि विसर्जन कैसा हुआ है। बट ये विसर्जन ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और सबके साथ शेयर करना गाइस। विसर्जन का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, बाय।